सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 3 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे यार, मैं दूसरे किसी चीज़ पे काम कर रहा था, इस वजह से शायद वीडियोस नहीं ला पा रहा था। लेकिन आज जो टॉपिक है वो है हमारी टाटा नेक्सॉन के ऊपर, जो कि ईवी में आई हुई है, जिसकी रेंज लगभग 14 लाख से 17 लाख तक की पहुंचती है, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार है। और एक बार खर्च कर दो तो बार बार उसमें खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं, आज का यही टॉपिक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई सब्सक्राइब कर देना सभी लोग, जितने भी लोग नए आए हैं होली में, तो सब्सक्राइब कर ही दो यार आप लोग। सो पहले प्राइसिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये 14 लाख रुपये की ऑलमोस्ट आती है, जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, और फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ साथ काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। और एक बार चार्ज करने पे लगभग 360 किलोमीटर की रेंज पे जाती है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। और इसी के साथ इसमें आप सभी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि इसका एसी नहीं चल पाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताते हैं लोग कमियां आ गई हैं इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसकी एसी काफ़ी, जितना स्पीड में चलोगे उतने स्पीड में इसकी एसी भी बेस्ट ही चलेगी। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि इसकी एसी वगैरह नहीं चल पाती है। बाकी आप सभी लोगों को देख लीजिए, फ्रंट में हनी पैटर्न मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतर लगता है ग्रिल के नीचे। और उसी के साथ पियानो फिनिश में ग्रिल मिलती है, टाटा का लोगो मिलता है। साइड में आप सभी लोगों को फॉग लैंप मिलने वाले हैं, और उसी के ऊपर जस्ट DRLs के साथ आप सभी लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं, जो कि नई वाली ईवी आने वाली है। और इससे पहले एक बार आ चुकी है, जिसका नाम है न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी डार्क एडिशन, जो कि फुल ब्लैक आई थी। और चल रही ट्रेंड में आप सभी लोग जानते होंगे कि टाटा ने एक और नेशनल पार्क से उठाया हुआ काजीरंगा एडिशन, जो कि काफ़ी बेहतर लग रहा है गाड़ी के साथ। और उसमें आप सभी लोगों को राइनो का साइन मिलने वाला है साइड में, जो कि काफ़ी बेहतर लग रही गाड़ी। और उनमें कौन कौन सी गाड़ी आई है उसके बारे में बता देता हूँ वीडियो के अंदर। तो उसमें सबसे पहले आई है आप सभी लोगों की फेवरेट, इसका नाम है टाटा पंच आई है। उसी के साथ टाटा हैरियर है, नेक्सॉन है, और टाटा सफारी है। तो ये चार गाड़ियाँ हैं जो काजीरंगा एडिशन में आई है, जो कि मतलब टाटा क्या समझती है और क्या क्या फीचर्स निकाल देती है, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करती है गाड़ियों में। और प्राइस की बात की जाए तो कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा प्राइस में भी, ऑलमोस्ट प्राइस भी हाई आने वाले हैं। इस तरह मत सोचिए कि प्राइस नॉर्मल ही रहेंगे, तो प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही आने वाले हैं। कुछ चेंजेस होंगे तो कुछ शायद प्राइस बढ़ा दिया जाए। तो नेक्सॉन को खरीदो, और इस होली में कुछ स्पेशल करना। आप सभी लोगों से विनती है कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और होली मिल के ही सीधे सीधे घर में चले जाएँ। तो यही थी आज छोटी सी वीडियो, कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल को, और हम सभी लोगों की तरफ से, और टाटा कंपनी की तरफ से, और बहुत सारी जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंपनी है, सबकी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली। कायदे से मनाइए, खुश रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद।